नमस्कार, रेडियो मरी 9 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंटर। भारत में एंट्री के लिए टेस्ला की किस कंपनी से चल रही है बातचीत? रिलायंस इंफ्रा के स्टॉक को बेचने की क्यों मची हुई है होड़? अदानी ग्रुप ने किस कंपनी से जमीनी खरीदी? विस्तारा के बाद टाटा ग्रुप की अब किस कंपनी की बढ़ेगी मुश्किल? आईपीओ मार्केट का क्या है ताजा अपडेट बताएंगे आपको, और इसके अलावा भी होगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी आरआईएल के साथ ज्वाइंट वेंचर कर सकती है। ज्वाइंट वेंचर के लिए आरआईएल की टेस्ला से बातचीत शुरुआती चरण में है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियों के बीच एक महीने से ज्यादा समय से बातचीत चल रही है और इस खबर के चलते आज आरआईएल के शेयर में करीब 1% की बढ़त देखने को मिली। रिलायंस इंफ्रा के शेयर में आज 20% का निचला सर्किट लगा। असल में रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडियरी कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड यानी कि DAMEPL को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से मिलने वाली 8,000 करोड़ रुपए की आर्बिट्रल अवार्ड मतलब मध्यस्थ पुरस्कार की रकम से जुड़े फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हिंदुजा ग्रुप की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड यानी IIHL ने इन्वेस्को के साथ करार किया है। इस करार के तहत IIHL की ओर से इन्वेस्को के म्यूचुअल फंड कारोबार से जुड़ी भारतीय इकाई इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट इंडिया यानी IAMI में 60% हिस्सा खरीदा जाएगा। डील के बाद इन्वेस्को के पास MF कारोबार का 40% हिस्सा होगा। पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार की पैरेंट कंपनी PB फिनटेक के शेयर ने आज 1400 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। दरअसल कंपनी ने PB पे के नाम से नई सब्सिडियरी बनाई है जिसके लिए कंपनी को ROC से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया है। इस कंपनी का गठन पेमेंट एग्रीगेटर कारोबार करने के लिए किया गया है। कारोबार के अंत पर PB फिनटेक का शेयर करीब 3.25% की बढ़त के साथ 1345 रुपए पर बंद हुआ। PVC पाइप बनाने वाली कंपनी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ने अपनी 25 एकड़ जमीन के लीज होल्ड राइट्स अदानी ग्रुप की कंपनी टेरावेस्टा डेवलपर्स को बेच दिए हैं। पुणे के पास पिंपरी में स्थित जमीन के राइट्स को 471 करोड़ रुपए में बेचा गया है। खबर के चलते आज फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर ने 264.80 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और कारोबार के अंत में करीब 2% की बढ़त के साथ 257.75 रुपए पर बंद हुआ। पेटीएम पेमेंट बैंक यानी PPBL के MD एंड CEO सुरेंद्र चावला ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा 26 जून से लागू होगा। इसके अलावा मार्च तिमाही में शेयर में 37% की गिरावट के बावजूद घरेलू विदेशी फंड्स ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। साथ ही पेमेंट बैंक के बिना मार्च में पेटीएम की UPI मार्केट में हिस्सेदारी 9% तक गिर गई है, जो कि 4 साल में सबसे कम है। इन खबरों के बीच आज पेटीएम का शेयर करीब 1% से ज्यादा गिरकर 399.50 रुपए पर बंद हुआ। सूरज स्टेट ने अपने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट OLV एंड OLPS सोसाइटी से जुड़े कानूनी विवाद का मामला आपसी सहमति से सुलझा लिया है। इस सेटलमेंट के तहत कंपनी जमीन के मालिक को 47 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी और 3300 वर्ग फुट एरिया के फ्लैट देने के लिए भी राजी हो गई है। खबर के चलते सूरज स्टेट के शेयर में करीब 3% की बढ़त के साथ 344.05 रुपए के साथ कारोबार का अंत हुआ। 2017 के बाद पहली बार देश में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या में कमी देखने को मिली है। हुरून ने मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में बताया कि देश में यूनिकॉर्न की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के मुताबिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या 4 साल में पहली बार घटकर 67 रह गई है। इस गिरावट के बावजूद देश ने दुनिया भर में यूनिकॉर्न का तीसरा बड़ा केंद्र होने का मुकाम हासिल किया है। यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप्स को कहते हैं जिनका वैल्यूएशन $1 अरब या उससे ज्यादा होता है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अपना नाम बदल लिया है। कंपनी स्विगी प्राइवेट लिमिटेड से अब स्विगी लिमिटेड बन गई है। दरअसल स्विगी बहुत ही जल्द अपना IPO लेकर आने वाली है और इसके चलते कंपनी ने अब खुद को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी बदल लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी इस साल के अंत तक अपना IPO मार्केट में उतार सकती है। साथ ही IPO से पहले एक निवेशक इन्वेस्को ने स्विगी का वैल्यूएशन 18% बढ़ाकर $12.7 अरब कर दिया है। टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरहॉल यानी कि MRO कंपनी आई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के तकनीकी कर्मचारियों ने 23 अप्रैल से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कर्मचारी प्रमोशन, सैलरी और यूनिफॉर्म से जुड़ी शिकायतों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। एयर इंडिया AI इंजीनियरिंग का प्रमुख क्लाइंट है। इससे पहले विस्तारा के कई पायलट वेतन संशोधन के विरोध में छुट्टी में चले गए हैं। इससे विस्तारा को रोज अपनी 25 से 30 उड़ानों को रद्द करना पड़ रहा है।
आईआरबी इंफ्रा की सब्सिडरी कंपनी आईआरबी अहमदाबाद वडोदरा सुपर एक्सप्रेसवे टोलवे की ओर से एनएचएआई के खिलाफ किए गए 1,032.61 करोड़ रुपए के दावे को ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया है। सब्सिडरी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के पास कॉम्पिटिटिंग रोड बनाए जाने के चलते ये दावा पेश किया था। खबर के चलते आज आईआरबी इंफ्रा का शेयर मजबूत बाजार में भी 1% से ज्यादा गिरकर 69.65 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 66.85 रुपए तक भी फिसल गया था। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में केपीआईटी टेक के घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी कि डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी 2.4% से बढ़ाई है। दिसंबर तिमाही में 11.6% से डीआईज की हिस्सेदारी बढ़कर के 14% हो गई है। खबर के चलते आज केपीआईटी टेक के शेयर में करीब 1% की कमजोरी के साथ 1485 रुपए पर कारोबार की समाप्ति हुई। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही इस कार्यक्रम को आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी और खबरों के लिए आप लगातार सुनते रहिए रेडियो मनी नाइन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी नाइन ऐप को भी। अभी के लिए नमस्कार, बने रहिए मनी नाइन के साथ।